नसीब भी जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, उनके इम्तहान भी जबरदस्त होते हैं। टूल रूम फैमिली, हमारे पास जब कोई भी मटेरियल हार्डिंग से आता है और हमें वायर कट के लिए देना होता है, हम सिंपल सा क्या करते हैं, कट लगाते हैं और फेंक देते हैं, ले जा भैया ये वायर कट के लिए है, ठीक है ना, इतना ही काम करते हैं हम लोग ना। लेकिन क्या पता है आपको ये कि छोटी सी गलती की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पहली गलती आप करेंगे, दूसरी गलती वायर कट वाला कर देगा, तीसरी गलती के लिए कोई चांस ही नहीं बचेगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा हालांकि हमेशा नहीं होता, लेकिन कुछ चांस ऐसा होता है कि हो जाता है, और जब हो जाता है फिर आपके पास ऑप्शन बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद हो सकता है कि आपका 10, 20, 50 हज़ार, लाख रुपए का भी नुकसान हो सकता है, सिर्फ कितने वजह से, सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से, शायद 2 मिनट के टाइम की वजह से ऐसा हो सकता है। मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला, आपको खुद पता चल जाएगा यार ये बात सही है या गलत है, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या काम करते हैं, हमारा हार्डिंग से मटेरियल आता है, हमें जो कट लगाना होता है, टॉप बॉटम जो भी लगाना होता है, साफ अप करते हैं और सीधा दे देते हैं मटेरियल, भाई ये वायर कट के लिए मटेरियल है, जिसको ले जाना अपना बंदा वायर कट के लिए ले जाएगा, बात खत्म यही हमारी पे, ठीक है। उसके आगे जो प्रोग्राम बनवाना हुआ या ड्राइंग शेयर करनी हुई या ऑटो कैड कोई डाटा देना हुआ, वो मैटर ठीक है वहाँ तक के लिए, ठीक है। लेकिन क्या पता है आपको यार, हम लोग लापरवाही कर जाते हैं, छोटी सी लापरवाही कर जाते हैं, पता कैसे? जैसे देखिए मेरे पास एक प्लेट है, एक ये प्लेट है, यहाँ पर मेरे जो भी होल होने हैं मैंने होल के लिए लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया, और अब ये प्लेट मैंने ऐसे उठाई, कट मारा और दे दिया वहाँ पे, ठीक है, दे दिया भाई ले जा इसको, वायर का काम है इसमें, ठीक है, हमारा काम खत्म। अब एक बताओ मेरा, क्या इसने हमने सही किया, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलती हो, तो पहले उसको कवर करते हैं। सबसे पहली बड़ी, सबसे बड़ी गलती है, प्लेट अगर आपकी मोटी है, ठीक है, मान लीजिए आपकी प्लेट मोटी है और आपने इसमें ड्रिल तो मार रखा ही है, ड्रिल मार रखा, लेकिन जो आपकी टेपिंग है ये टेपिंग आपकी पूरी आर पार नहीं है, ठीक है, आर पार मतलब है इस साइड से लेके इस साइड तक आपकी टेपिंग पार नहीं है, तब आपका क्या होगा? अगर उस बंदे ने प्लेट को इसकी जगह पलट के काट दिया तो बैकअप कहाँ चला जाएगा, ये आपकी थ्रेडिंग ऊपर आ जाएगी और बैकअप नीचे चला जाएगा, तब कैसे करेंगे आप? सिर्फ एक छोटी सी गलती तो की है ना आपने, आपने सोचा यार चलो दे देता हूँ बात खत्म यार, लेकिन अगर आपने ये गलती कर दी, नहीं हो सकता प्लेट मोटी हो ना आपने थ्रेडिंग पार किया, या पतली भी हो फिर भी आपने नहीं पार किया, आपके दिमाग में तो ये भाई मैं तो नीचे से टाइट कर लूंगा, बंदा ऊपर से काट देगा, ठीक है, आपने ऐसी गलती कर दी भाई उसको दे दिया, ठीक है। दूसरी गलती है, मान लो वायर कट वाले के पास हो गई, उसने भी ध्यान नहीं दिया, तो तीसरी गलती के लिए कोई मौका बचेगा आपके पास? नहीं बचेगा ना। तो क्या करना था भाई, छोटे छोटे काम तो करने हैं, इसमें क्या करना वो भी बताने वाला हूँ। और इसके बाद भी, इसके बाद चलो ठीक है आपने ये भी कर दे दिया, कल को मान लो ठीक है आपने ये चीज़ कहा, उसके बाद ये प्लेट है यहाँ पर भी दिक्कत आ जाती है, मान लीजिए मैंने ये 3 होल कटने के लिए दिया वायर कट वाले को, ठीक है, वायर कट वाले मैंने कटने के लिए दे दिया, अब वायर कट वाले ने इस प्लेट को अगर उल्टी साइड से काट दिया तो क्या ये मैच कर जाएगी? मान ली डाई में कुछ और काट दिया, गाइड में कुछ और काट दिया, तो कैसे मैच करे? डाई में इस साइड से काट दिया, गाइड में उसने पलट के काट दिया, ठीक है, तब कैसे मैच कर जाओ? क्योंकि जब ये पलटेगा तो ये दोनों होल तो इस साइड में आ जाएंगे, ये दोनों होल यहाँ से उठ के आपके यहाँ आ जाएंगे और ये वाला होल यहाँ आ जाएगा, तो कैसे मैच कर लोगे आप? नहीं कर सकते ना, एक चीज़, ठीक है, एक ये प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम है, एक तीसरी प्रॉब्लम और, आपने ये जो डाटा बनाया है, जो ड्रिल लगाया है, ठीक है, गाइड प्लेट, डाई प्लेट, पंच में सब में लगाया होगा, तो आपने क्या किया, यहाँ से रेफरेंस लिया, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से रेफरेंस ले लिया, ठीक है, ये चीज़ आपकी 0 हो गई यहाँ पे, ये 0 और ये 0, यानी कि आपने यहाँ से 15 लिया, 20 लिया, एक साइड से चला आपने, यहाँ से यहाँ चले और यहाँ से यहाँ चले आप, ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गए और आपने ड्रिल लगाया, एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट, जो भी प्लेट थे सब में आपने ड्रिल लगा दिया। अब आप इसमें क्या सीन बना, आपका प्लेट मान लीजिए कोई फालतू था, क्योंकि डाई प्लेट का मटेरियल देखेंगे, 31 मटेरियल देखेंगे, वो प्लस में आता है और MS का माइनस में आता है, अगर आपने एक साइड से प्लेटों को ले रखा है, ठीक है, अगर एक साइड से प्लेट ले रखा है, जो फालतू मटेरियल था आपने सोचा चलो यार कोई नहीं होता, इधर बचेगा इधर बचेगा, मुझे क्या करना, मैं अपना एक साइड से लेकर सारे ड्रिल मार लेता हूँ, अगर उस बंदे ने इस प्लेट को अगर उल्टा पलट काट दिया तब क्या होगा? ये प्लेट जब आप असेंबली करोगे ना तो वो अपसेट हो जाएंगे, अपसेट मतलब हो जाएगा कि डाई प्लेट कहीं बाहर जा रही है, गाइड प्लेट कहीं बाहर इस साइड में जब बाहर जा रही है, पंच प्लेट कहीं आपकी इस साइड में जा रही है, ठीक है, उससे देखने में बेकार लगेगा एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या होगी, बंदे को थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है, किसी बंदे तुम दे रहे हो अगर टूल बना के, भाई उससे पैसे ले रहे हो, तो छोटी छोटी चीज़ें ऐसे लगती लगती हैं जैसे लगता है अनाड़ी की तरह काम कर रखा है, यार क्या काम कर रखा है ये सब चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जहाँ पर बारीकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है यार, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको अगर आपने एक साइड से, इसीलिए हम लोग ज़्यादातर क्या करें सेंटर से लेकर चलो जो भी निकले बराबर निकलेगा, ये सब सारी गलतियाँ छोटी छोटी गलतियाँ, आपको बहुत छोटी छोटी लग रही है ना, कभी कभी ये गलतियाँ ना बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर जाती हैं, जहाँ पर आपको हमें संभालना बहुत भारी पड़ जाता है। वायर कट वाला गलती करेगा ठीक है, वायर कट वाले की जिम्मेदारी होती है, वो भी देख के काम करता है, लेकिन यार आपकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है कि
कि आपकी जिम्मेदारी बस इतना, भाई मैंने ग्रैंड कर दी, ले जा फेंक, ले जा अपना, तेरा काम है, बस इतना ही आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्या क्या जिम्मेदारी बनती है उसको समझो आप पहले यार। आपने ये प्लेट तैयार किया, ठीक है, आपने ये प्लेट जब तैयार किया तो आप क्या करोगे? देखो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या करना चाहिए, किस किस बात को ध्यान देना चाहिए। अगर आपने या ऐसी कोई प्लेट आपने तैयार कर रखी है, चाहे जो भी हो, उसमें फंक्शन फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, बात सिर्फ ये कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने, तो सबसे अच्छा काम आपको ये होता है, अब आपको पता है कि मेरा ये टॉप है, नीचे से मैंने थ्रेडिंग कर रखा है, ठीक है, ये आपको पता है, ठीक है। तो पहली चीज़, दूसरी चीज़ आपको पता है कि मेरी डाई प्लेट ऐसी बैठेगी तो गाइड भी ऐसी आएगी, पंच भी इसके ऊपर आएगी, यानी कि सारे ऐसे ही आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐप डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पर ऐप डाल दूंगा। सेम यही चीज़ मेरी अगर गाइड प्लेट हो सकती है या पंच प्लेट हो सकती है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भी ऐप डाल दूंगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं जितनी प्लेटें हैं ऐप डाल दूँगा, कि मुझे पता है कि ये प्लेटें ऐसे ऐसा करके लगनी है, मैं ऐप डाल दूंगा पहली चीज़ तो, यानी कि फ्रंट फ्रंट, ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा चीज़ मैं लिख दूंगा टॉप टॉप टॉप। क्यों लिख रहा हूँ? ताकि भाई पता रहे कि भाई ये टॉप है, इधर से इसको काटना है, ठीक है, ये टॉप लिख दिया मैंने। वायर कट वाले को आंख बंद कर काम करने का मौका मिल जाएगा, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि आपसे भी गलती नहीं होगी, फिर वो भी बंदा एक, मतलब एक ही बार निकाला, हाँ यार ठीक है, मतलब वो भी देखेगा, ऐसा नहीं है वो आँख बंद कर चला देगा, वो भी देखेगा, लेकिन फिर भी क्या रहेगा, थोड़ा सा टाइम कम बच जाएगा, मतलब गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि डबल वेरिफिकेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आप एक काम और भी कर सकते हैं, ड्राइंग नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर, कि भाई कोई ड्राइंग नंबर हो, कोई पार्ट नंबर हो, वो भी आप लिख दीजिए, कि हाँ भाई ये है। मान लो तीन चार टूल भेज रहे हो आप, अलग अलग लिख सकते हो। यहाँ पर आप ये लिख सकते हो, एक प्लेट दो प्लेट जो भी है आपकी, ठीक है। आप ये भी यहाँ पर लिख सकते हो, डाई प्लेट, डाई प्लेट, यहाँ पर आप लिख सकते हो पंच प्लेट, ठीक है। ये सब कर लिया आपने, एक काम और भी कर सकते हो आप, ये सब सब आपके फैसिलिटी है, आपके सहूलियत के लिए है, आपको भी अच्छा रहेगा, सामने वाले को भी अच्छा रहेगा। कंपोनेंट ले लो, जो भी आपका कंपोनेंट हो, मान लो जी आपका ऐसा करके कोई कंपोनेंट है, ठीक है, ऐसे करके आपका कोई कंपोनेंट है, तो आप उस कंपोनेंट का भी स्केच बना दो, स्केच बना दो यहाँ पे। अभी इन चीज़ों से फायदा क्या होने वाला है यार, ज़्यादा टाइम नहीं खराब हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट से लेकर 5 मिनट, इन सबको करने में सिर्फ 5 मिनट लगे, लेकिन फायदा बहुत सारी चीज़ों का आपके लिए होने वाला है, बहुत सारी चीज़ों का। अब आपके दिमाग में आ रहा है यार फायदा क्या होने वाला है, भाई फायदा तो सबसे पहले बात तो ये होने वाला है, कल को मैंने वायर कट वाले को प्लेट दे दी, ठीक है, मैं इतना ही फ़ोन करूंगा, हाँ भाई वो देखना, वो वाला जो कंपोनेंट बना रखा, तो स्केच बना रखा है, और डाई प्लेट है, डाई प्लेट में देखना, 2 mm शिफ्ट करना है हमें, इतना ही तो बोलूंगा मैं। अब वो क्या, मैं 4 प्लेटें 10 प्लेटें दे दी, बंदा ढूंढता रह गया कौन सी डाई प्लेट है, कैसी डाई प्लेट। हालांकि हम लोग साइज मेंटेन करके देते हैं यार, कोई ड्राइंग दे रहे हैं, कोई स्केच दे रहे हैं, ऑटो कैड डाटा दे रहे हैं, उसमें साइज वगैरह दे के रखते हैं, लेकिन यार एक चीज़ ऐसा है कि बंदा बस यार, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ भाई हाँ ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, हाँ कितना करना, हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको भी सहूलियत रहेगी, सामने वालों को भी सहूलियत रहेगी, ये चीज़ें आपको करके देनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं है कि बस आपने बनाया और दे दिया सामने वाले को, अगर सामने वाले की भी गलती हो जाती है, आपसे भी गलती हो जाती है, यार कुछ भी नहीं बचता, कम से कम आपने अपनी तरफ से उसको मतलब वेरीफाई करके दिया है, सामने वाले ने वेरीफाई कर दिया, काम आसान हो गया और काम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, मैं ये सब चीज़ें इसलिए आपसे बताता हूँ क्योंकि यार ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं, होती रहती हैं, गलतियाँ होती रहती हैं, वो बड़ी बात नहीं है, गलतियों से कुछ सीखना चाहिए, गलतियों से हमेशा ये होना चाहिए, ठीक है आज मैंने जो गलती की मेरे माइंड में होना चाहिए, दोबारा से मेरी मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हर किसी से होती है और गलती होनी भी चाहिए, लेकिन उस गलती से सबक लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, ठीक है, हमेशा के लिए ये सारी बातें आप याद रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको एक जानकारी शायद अच्छी लगी हो, छोटी सी जानकारी थी, बट अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, टाटा बाय बाय। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।